नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने में पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज कहा जाता है और इस बार हरियाली तीज 3 अगस्त यानी कि शनिवार को पड़ रही है। हरियाली तीज के दिन लड़कियां और महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और पार्वती का दोबारा मिलन हुआ था। हरियाली तीज का त्योहार सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है। बता दें कि हरियाली तीज का व्रत लड़कियां और सुहागिन महिलाएं अपने पति या होने वाले पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत बिना पानी के रखा जाता है। इस दिन सारी लड़कियां और महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत उपवास रखती हैं। यही नहीं, अच्छे पति की कामना के लिए अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको हरियाली तीज का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे यदि कोई भी अविवाहित लड़कियां या सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज के दिन करती है तो उसके पति की लंबी आयु के साथ साथ पति का 15,000 गुना भाग्य प्रबल हो जाता है। साथ ही अविवाहित लड़कियों को अच्छे जीवन साथी का योग प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान आदि अपने नित्य कर्मों से निर्वृत हो जाएं, क्योंकि हरियाली तीज के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह ही माना जाता है। स्नान करने के बाद पूजा घर साफ करना चाहिए। उसके बाद गंगा जल से घर का शुद्धिकरण करें और सुहागिन स्त्रियों को स्नान करने के बाद पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूजा की थाली में 16 श्रृंगार का सामान रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और श्रृंगार का सारा सामान माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अविवाहित स्त्रियों के पति की उम्र भी लंबी होती है, जबकि अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और अविवाहित पुरुषों को सुंदर और सुशील वधु भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।